अरे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछान पैरी जिला रायपुर से आज उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 8वीं विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 22, इसका शीर्षक है हिरोशिमा की पीड़ा और इस पाठ को लिखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्यारे बच्चों आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इनकी पहचान एक राजनेता के रूप में तो रही है, लेकिन ये जितने अच्छे राजनेता रहे हैं उतने अच्छे सहृदय कवि भी रहे हैं। यह प्रस्तुत पाठ उनके द्वारा ही लिखा गया है और इस पाठ में जो बातें कही गई हैं वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस पाठ की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में सन 1939 से 1945 तक 6 वर्षों तक यह द्वितीय विश्व युद्ध चला था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के 70 से अधिक देशों की जल थल व वायु सेना इसमें सम्मिलित रही है। एक तरफ थे इटली जापान और जर्मनी, वहीं दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जिनमें फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ और चीन जैसे देश थे। तो इस तरह से इनके बीच में यह विश्व युद्ध छिड़ा था जो धीरे धीरे करके पूरे विश्व में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और यह विश्व युद्ध याद रखा जाता है अपनी विभीषिका के कारण से, और यह विभीषिका हुई थी परमाणु बम के कारण से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस विश्व युद्ध में जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट किया था और इसके कारण से वहां जनधन की खूब हानि हुई और उस पीड़ा से जापान के लोग आज तक नहीं उबर पाए हैं। तो निश्चित रूप से यह एक नरसंहार था और ऐसे में कोई सहृदय व्यक्ति कैसे उसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पीड़ा से द्रवित हुए और उन्होंने अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। प्यारे बच्चों किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झिंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है यही बताने के लिए इस पाठ का चयन हमारी पाठ्यपुस्तक में किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि मानवतावादी दृष्टिकोण किसे कहेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य हम सभी मानव हैं और मानव है तो हमारा सबसे पहला धर्म मानवता का है, अर्थात मनुष्य है तो मनुष्य के प्रति, न केवल मनुष्य के प्रति अपितु अन्य जीव जंतुओं के प्रति भी हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, दूसरों के दुख एवं पीड़ा को देखकर हमारा हृदय जो है द्रवित होना चाहिए, पिघलना चाहिए, हमारे दुख हमारे हृदय में भी उसी तरह की अनुभूतियां होनी चाहिए। ऐसे ही कहा गया मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना हम किसे कहेंगे। मानवीय संवेदना से तात्पर्य है किसी मनुष्य की पीड़ा को देखकर उनकी पीड़ा को अपने हृदय में उनके जैसा अनुभव करना, यह मानवीय संवेदना कहलाता है। ऐसे ही किसी के दुख को देखकर उनके प्रति हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होना, यह करुणा कहलाता है। और ऐसे ही विज्ञान का सदुपयोग की बात कही गई है। विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति यदि विशेष ज्ञान रखता है तो यह विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन आज विज्ञान से तात्पर्य जो भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के विषय में जो नए नए अनुसंधान होते हैं इन्हें विज्ञान कहा जाता है।
जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उनका उपयोग मानवता के हित में होना चाहिए, नरसंहार आदि के लिए नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की जनधन की हानि हो, मानवता को ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य विज्ञान के आविष्कारों के द्वारा नहीं होना चाहिए। तभी हम कहेंगे हाँ, विज्ञान के द्वारा जो चीजें आविष्कृत की गई हैं वे सदुपयोगी हैं, उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह जो प्रस्तुत पाठ है इसमें विज्ञान के द्वारा जो आविष्कृत बम हैं उसका दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण से जो धन जन धन की हानि हुई, इससे एक कवि किस तरह से द्रवित होते हैं और उनकी भावनाएं किस तरह से निकलती हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। कवि सोचता है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूं कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुअस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। ये कवि यहां सोचता है। देखिए, जब इतना भीषण नरसंहार हुआ था, जनधन की हानि हुई थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तो ऐसे में कोई भी सहृदय व्यक्ति जो है उसको नींद नहीं आ सकती है। ऐसे ही कवि कहता है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती मतलब खुल जाती है, नींद खुल जाती है। रात में जैसे हम सोए रहते हैं, कभी अचानक होता है कहीं कोई जोरों की आवाज़ आती है, या कहीं भय का वातावरण होता है, या असमंजस की स्थिति होती है, मन तनावग्रस्त रहता है, ऐसी स्थिति में हमारा नींद अकस्मात खुल जाता है। वैसे ही कवि की आंखें खुल जाती हैं। मैं सोचने लगता हूं कि, कवि आगे कहते हैं, मैं सोचने लगता हूं कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, उन्होंने, देखिए, वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया, ये अच्छी बात है, उनकी उपलब्धि रही विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन उन अणु अस्त्रों का जब दुरुपयोग किया गया तब वे नागासाकी, जापान का प्रमुख शहर था उस समय, वे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए होंगे। अर्थात जिन वैज्ञानिकों ने उन अणु अस्त्रों को बनाया था, उन अणु अस्त्रों का प्रयोग शत्रु देशों के विरुद्ध किया गया, लेकिन वहां हुआ क्या? वहां हुआ तो चाहे देश, चाहे अपना देश हो या शत्रु का देश हो, रहते तो लोग ही हैं, वहां जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं। अणु अस्त्रों के प्रयोग से जो संहार हुआ, इससे मानवता कलंकित हुई, और ऐसे मानवता के कलंकित होने से वे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बम बनाए थे, क्या उन्हें नींद आई होगी? वे रात में सो पाए होंगे? वे कैसे चैन से सो सकते हैं? अर्थात निश्चित रूप से उन्हें भी नींद नहीं आई होगी। ये कवि के कहने का तात्पर्य है। प्यारे बच्चों, अभी हमने यह कविता देखा, इसमें देखे कुछ कठिन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आविष्कार। आविष्कार का तात्पर्य होता है प्राकट्य, किसी नई चीज को प्रकट करना, या नई खोज, या इसको हम ईजाद भी कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द आया है भीषण। भीषण का तात्पर्य होता है भयानक, भयंकर। नरसंहार, नरसंहार का तात्पर्य होता है लोगों का सामूहिक विनाश। चलिए आगे देखते हैं। कवि आगे चिंतन करते हुए कहते हैं, दांत में फंसा तिनका, आंख की किरकिरी, पांव में चुभा कांटा, आंखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। एक छोटा सा फांस जब हमारे दांतों में फंस जाता है, तब हमारी जो जिह्वा है, जीभ जो है, वो बार बार वहीं जाकर अटकता है। जब तक वो फांस निकल न जाए तब तक हमें चैन नहीं आता है। ऐसे ही यदि आंखों में यदि एक छोटा सा कंकड़ पड़ जाए तो चुभते रहता है और हमारी आंखें जो है लाल हो जाती हैं, आंखों से आंसू भी आने लग जाता है।
पाँव में एक छोटा सा कांटा जब चुभ जाता है कहीं चलते चलते, तो बार बार हमारा पाँव जो है, पाँव में जिस कांटा चुभा हुआ आप देख रहे हैं, पाँव में जब कांटा चुभ जाता है तो हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। अर्थात हमारे शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई तकलीफ है, समस्या है, तो हमारा ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। आंखों की नींद उड़ जाती है, मन का चैन उड़ा देती है। क्या ये एक छोटी सी समस्या, और जब इतना भीषण नरसंहार जब हुआ तब भी वैज्ञानिक कैसे चैन से सो पाए होंगे, ऐसा कवि बार बार सोचते हैं। और इस भीषण नरसंहार में क्या क्या हुआ होगा? इस भीषण नरसंहार में सगे संबंधियों की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विछोह हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रात गुजर जाती है। देखिए इतना भीषण नरसंहार हुआ है, तो इस नरसंहार में निश्चित रूप से जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, परिजन होते हैं, उनकी भी मृत्यु हुई होगी, वे भी हमसे बिछुड़ गए होंगे। हमारा कोई प्रिय रहा होगा, वो उसकी मृत्यु वहाँ हो गई होगी, अब उसका साथ हमें नहीं मिलने वाला है। कोई हमारा परिचित है, उसका साया जो है इस संसार से उठ गया। और न केवल मनुष्यों की बातें अपितु जो पालतू पशु हैं वे भी बिछोह, बिछोह मतलब होता है वियोग, वे भी हमसे बिछुड़ गए। न केवल मनुष्य बिछड़े अपितु जितने पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, ये सब भी एक दूसरे से बिछुड़ गए। और इन सब के कारण हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती है। जब आपके हृदय में दुख हो, पीड़ा हो, वियोग की अग्नि में आपका हृदय जल रहा हो, ऐसे स्थिति में यदि आप चेष्टा भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, सोने का प्रयत्न करेंगे, नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आती है तब करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजर जाती है। रात भर हमें चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है। कब? जब हमारे अपने किसी से वियोग हो जाता है। और जब इतना भीषण नरसंहार हुआ है तब कोई व्यक्ति कैसे सो सकता है? प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं बिछोह। बिछोह का तात्पर्य होता है वियोग, विषाद। विषाद का तात्पर्य होता है गहरा दुख। चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश या प्रयत्न। किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2,00,000 से अधिक लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया, जिन्होंने उस अंतिम अस्त्र को, अंतिम अस्त्र कौन सा? वो उसी जो अणुबम बनाया गया था, इसकी बात कही जा रही है। जिनके आविष्कार के फलस्वरूप वो अणुबम बना था, और उस अणुबम का प्रयोग 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को किया गया था। देखिए, जिस दिन उस अणुबम का प्रयोग किया गया था उस रात्रि को काल रात्रि कहा गया है। वो केवल रात्रि नहीं थी, अपितु काल की रात्रि थी, मृत्यु की रात्रि थी, मृत्यु का तांडव करने वाली रात्रि थी। इसके कारण से 2,00,000 से अधिक लोगों की बलि हो गई थी। और ये अणुबमों का प्रयोग कहाँ किया गया था? इनका प्रयोग किया गया था जापान, एक छोटा सा देश जापान, जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था। तो जापान और नागासाकी में मृत्यु का तांडव 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि में हुआ, और इससे 2,00,000 से अधिक लोगों को अपने जान देना पड़ गया। 2,00,000 से अधिक लोगों की बलि उस अणुबम ने ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया, और
जो 2 लाख लोग मर गए तो मर गए, लेकिन जो लोग यदि किसी कारण से वहां से बच गए वे भी अंधे लूले लंगड़े बहरे इस तरह की स्थितियां हो गई, उनके मानसिक विकार हो गया। तो इस तरह से अधिकांश लोग, हजारों और लाखों लोग दिव्यांग हो गए, अर्थात उनके शरीर के अंग जो है सही सलामत नहीं रहे, या हैं भी तो कार्य करने योग्य नहीं रहे। तो हजारों लोग दिव्यांग हो गए, कहाँ? उस हिरोशिमा और नागासाकी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अणुबम के प्रयोग किए जाने से। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने, जिन वैज्ञानिकों ने बड़े प्रयत्न से वो अणु बम बनाए थे, क्या उन वैज्ञानिकों को एक क्षण के लिए ही सही यह अनुभूति हुई, यह अनुभव उन्होंने किया कि उनके हाथों से जो कुछ हुआ, अर्थात जो कुछ वैज्ञानिक आविष्कार किया गया वह अच्छा नहीं हुआ? क्या यह पछतावा, यह अनुभूति उन वैज्ञानिकों को हुई, या जिन्होंने उन अणु बमों का प्रयोग किया क्या उन्हें यह अनुभूति हुई? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, कवि प्रश्न करता है। यदि उन्हें यह अनुभूति होती है कि हमने जो किया वह गलत किया, जिन वैज्ञानिकों ने उन अणुबमों को बनाया क्या उन्हें यह अनुभूति नहीं हुई? क्या जिन्होंने उन अणुबमों का प्रयोग नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहर में किया क्या उन्हें ग्लानी या पछतावा नहीं हुआ? यदि हुआ तो क्या वक्त अर्थात समय उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा? क्या उनसे प्रश्न नहीं करेगा कि तुमने जो किया है वो सही किया गलत किया? ये प्रश्न निश्चित रूप से समय उन्हें उनसे करेगा। किंतु यदि उन्हें लगता है कि हमने जो किया अच्छा किया, क्योंकि हमने शत्रु देश पर उसका प्रयोग किया, शत्रुओं के लिए उसको प्रयोग किया, यदि ऐसा लगता है उन्हें और उनको अपने किए पर पछतावा नहीं होता है, ऐसा हो भी सकता है, और यदि ऐसा होगा तब क्या होगा? कभी आगे बात करते हुए कहते हैं, तब कहते हैं तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो अपने आप को भले आत्मसंतुष्ट कर लें कि हमने जो किया अच्छा किया, हमको युद्ध में विजय प्राप्त करना था, युद्ध की अलग अलग नीतियां होती हैं आप सब जानते हैं, साम दाम दंड भेद, तो हमने तो युद्ध की नीति का पालन किया, और ऐसा करते हुए हमने जो किया इसमें हमें किसी तरह की कोई ग्लानि नहीं है, कोई पछतावा हमें नहीं है, ऐसा यदि वे अपने आप को मानते हैं तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्यों माफ नहीं करेगा? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मानवता के विरुद्ध कार्य किया है, उनका कार्य जो है मानवता विरुद्ध रहा है, संवेदनहीनता का परिचय उन्होंने दिया है, संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने नहीं दिया है, उनके हृदय में किसी तरह से दया या करुणा नहीं है, इस कारण से इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है कटघरा। कटघरा आप जानते हैं, कटघरा कहते हैं काठ का बना घेरा। आप लोगों ने विभिन्न चलचित्रों आदि में देखा होगा या कहीं साक्षात भी देखा होगा, अदालत में वह स्थान जहां विचार के समय अभियुक्त और अपराधी खड़े किए जाते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, न्यायालय के चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो दिख रहा है जहां पर अभियुक्त और अपराधी आकर खड़े होते हैं और जिनसे सवाल जवाब किया जाता है, वह स्थान कहलाता है कटघरा। तो ऐसे कटघरे में वे वैज्ञानिक जिन्होंने अणुबम को बनाया था और जिन्होंने प्रयोग किया था, वे उन्हें अवश्य खड़ा किया जाएगा इतिहास के प्रश्नों में या इतिहास के दायरे में। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से यह जो पाठ हमने पढ़ा हिरोशिमा की पीड़ा, इस पाठ में लेखक की जो पीड़ा है, लेखक की जो करुणा है, इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। लेखक किस तरह से मानवीय संवेदनशील हैं, इसके विषय में भी हमें इस पाठ से परिचय मिलता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा है इसके आधार पर आइए कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूँगा, आप नोट करें, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान
कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कवि की नींद अचानक किसी रात को क्यों उचट उचट जाती है। तीसरा प्रश्न है, कवि हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। चौथा प्रश्न है, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। पांचवा प्रश्न है, कविता में किस तिथि को काल रात्रि कहा गया है और क्यों। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्दों के विषय में आप जानते हैं, तो जो शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको लिखना है वे हैं नर, आँख, रात, देश, हाथ और पांव। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपने विषय शिक्षक से परीक्षण कराएंगे, और साथ ही साथ यह पाठ हमें मानवता के विषय में चिंतन करने की प्रेरणा देता है। यदि आप अपने आसपास कहीं इस तरह की मानवीय घटनाओं को, मानवीय अनुभूतियों से संबंधित किसी घटना को आपने देखा है या महसूस किया है, तो उसके विषय में आप निश्चित रूप से लिखेंगे और आप सबकी मानवीय संवेदनाएं जागृत होंगी, ऐसे मुझे आशा और विश्वास है। इसी के साथ नमस्कार।